हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, वो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है टैबलेट्स, टैबलेट डोसेज फॉर्म में। दोस्तों, और ये जो है टैबलेट, ये जो चैप्टर है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जीपैट हो, ईएसआईसी फार्मासिस्ट हो, एम्स फार्मासिस्ट हो, ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, एंड स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए, जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम एक शॉर्ट क्विक रिव्यू करने वाले हैं, बाकी ना कि बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा। दोस्तों, जरूर देखिएगा, आपको सभी आपके क्वेश्चन के जो आंसर जो इसमें मिल जाएंगे और आपको जल्दी से समझ में आएगा। इसे सिंपल लैंग्वेज में हम आज ये वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों, चालू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अब बेल आइकन का भी बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं कि टैबलेट्स क्या होती है। देखिए दोस्तों, टैबलेट इज अ सॉलिड मेडिकामेंट मे एडमिनिस्टर्ड बाय ओरली एज अ पाउडर फॉर्म पिल्स एंड ईटीसी। मतलब ये क्या होता है, एक सॉलिड मेडिकामेंट होता है, एक दवाई होती है जो हम एडमिनिस्टर मतलब लेते हैं ओरली, पाउडर फॉर्म में होती है या ये टैबलेट फॉर्म इस टैबलेट फॉर्म में होती है, उसको टैबलेट कहा जाता है। ठीक है, टैबलेट्स आर प्रिपेयर्ड आइदर बाय मोल्डिंग और बाय द कंप्रेशन बाय द मशीन। किस तरह बनाई जाती है दोस्ती, जो टैबलेट मशीन होती है उसमें डाल के बनाई जाती है, या फिर वो मोल्ड करके उसको, जो मोल्ड आते हैं टैबलेट्स के, वेरी साइज के मोल्ड आते हैं दोस्तों, उसके साथ में ये बना जाता है। इट इज आल्सो इंक्लूड्स बाइंडर, डाइल्यूएंट्स और ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स, ग्लाइडेंट्स ईटीसी। दोस्तों, इसमें जो कुछ टैबलेट बनाने के लिए बाइंडर यूज कराया जाता है, डाइल्यूएंट्स यूज किए जाते हैं, ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स एंड ग्लाइडेंट्स जो होती है ये यूज की जाती है, ये सब मिलाकर ही टैबलेट्स बनती है। ठीक है दोस्तों, साथ सिर्फ ड्रग ही नहीं होता है, बाकी चीजें भी इसमें डालनी पड़ती है, क्योंकि टैबलेट जो स्ट्रेंथ आए उसकी, टैबलेट की जो क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, ये सब बनाने के लिए हम लेटर में देखें, बाद में हर एक के बाइंडर, डाइल्यूएंट, ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स एंड ग्लाइडेंट्स ये क्या होते हैं, हर एक का जो है हम दोस्तों विस्तार से बाद में हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी आपने जितनी काम की चीजें वही करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, टैबलेट इज ओरल डोसेज फॉर्म और सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म, डिफाइंड एज सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म मेडिकामेंट और मेडिकामेंट्स विथ सुटेबल एक्सिपिएंट्स। मतलब जो सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है, मतलब सिंगल डोसेज फॉर्म है, ये जो फॉर्म है दोस्तों मेडिकामेंट के साथ मिला के, और सुटेबल एक्सिपिएंट्स मतलब वो क्वांटिटी टैबलेट्स की पूरे कैविटी में फिल होना, इसलिए एक्सिपिएंट्स डाले जाते हैं दोस्तों, वो मिला के जो बनता है उसको टैबलेट कहा जाता है। एज पर द फार्माकोपिया के हिसाब से उसका डेफिनेशन क्या होगा, देखिए, फार्मास्यूटिकल टैबलेट आर सॉलिड फ्लैट और बायकॉन्वेक्स डिसेज यूनिट डोसेज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग अ ड्रग, अ मिक्सचर ऑफ अ ड्रग विदाउट डाइल्यूएंट। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ ज्यादा जो बताने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। बायकॉन्वेक्स होती है, डोसेज फॉर्म होता है, सिंगल डोसेज फॉर्म होता है, प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग और द मिक्सचर ऑफ द ड्रग, मतलब एक से ज्यादा ड्रग मिला के जो बनाया जाता है मशीन में, उसको टैबलेट कहा जाता है। दे आर वेरी इन शेप, साइज एंड वेट, वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, और उसका जो वजन होता है टैबलेट का, हर किसी का अलग अलग होता है। अबाउट 70% ऑफ टोटल मेडिसिन आर डिस्पर्स इन फॉर्म ऑफ टैबलेट। ठीक है, डिस्पेंस इन फॉर्म। जितने भी हम दवाई लेते हैं दोस्तों, अभी मार्केट में जितने कुछ भी फॉर्म्स अवेलेबल है, मतलब सिरप्स हो, टैबलेट्स हो, कैप्सूल्स हो या एरोसोल्स हो, जितने भी कोई फॉर्म्स है दोस्तों, उन सब में सबसे ज़्यादा मतलब 70% जो मेडिसिन है दोस्तों वो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। मतलब कि दोस्तों अभी तक सबसे डिमांडिंग वाला जो है ये सेक्शन है टैबलेट में। ठीक है, आपको हर तरह की दवाई इसमें टैबलेट फॉर्म में मिल जाएगी। तो अभी दोस्तों, तो इसके पहले हाफ में हम देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ टैबलेट्स क्या होती है। ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट डोसेज फॉर्म बस सस्ता होता है, ऑफरिंग ग्रेटर कैपेबिलिटी ऑफ ऑल डोसेज फॉर्म, मतलब इजीली होता है, उसकी जो कैपेबिलिटीज होती है वो बहुत अच्छी होती है, नो स्पेशल टेक्निक इज रिक्वायर्ड, मतलब उसको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है टैबलेट लेने के लिए। सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब जो हमें बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन करना है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। इजीली अवेलेबल फॉर्म ऑफ डोज
मतलब सबसे सिंपल फॉर्म है डोसेज का अवेलेबल। इसकी दवाई आप किसी चीज ड्रग का नाम लीजिए दोस्तों, उस फॉर्म की दवाई आपसे जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। लाइटर एंड कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट है, मतलब ये हल्की भी होती है और जल्दी से लेने के लिए भी आसान होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट्स क्या दिया गया है। डिफिकल्ट टू स्वैलो इन चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब जो पेशेंट्स होते हैं दोस्तों आईसीयू में, उनको कोई मतलब होश नहीं होता है उनके लिए, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए टैबलेट्स लेना बहुत ही मुश्किल होता है। हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स नॉट सुटेबल फॉर दिस फॉर्म, मतलब हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स मतलब दोस्तों जब हम टैबलेट को खुली हवा में रखते हैं तो उसमें पानी जो एटमॉस्फेयर जो टैबलेट में जो ड्रग होता है दोस्तों वो अब्सॉर्ब हवा में जो मॉइस्चर होता है वो अब्सॉर्ब कर लेता है, उसको क्या कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कहते हैं। उस ड्रग्स के लिए दोस्तों ये टैबलेट जो है कॉम्पैक्टेबल नहीं है। बाद में क्या, इन स्पेशल केस कोटिंग में नीडेड, मतलब कोई कोई स्पेशल केस होता है तो उसमें कोटिंग देना जरूरी हो जाता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज, मतलब कॉस्ट जो प्रोडक्शन का है वो इंक्रीज हो सकता है, क्यों दोस्तों उसको कोटिंग कर रहे हैं इसीलिए। क्यों कोटिंग कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि टैबलेट कोई कोई जो ड्रग होता है उसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अनअवॉइडिंग टेस्ट होता है, बहुत बिटर होता है, कड़वा होता है, वो अवॉइड करने के लिए उसको कोटिंग किया जाता है। और उसमें क्या होता है दोस्तों, कोटिंग करने से वो टैबलेट्स का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। सम टैबलेट्स में कॉज होता है प्रॉब्लम इन बायोबिलिटी, जो टैबलेट्स की बायोबिलिटी है दोस्तों कोई कोई टैबलेट्स में उसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बाद में देखिएगा जनरल प्रॉपर्टीज क्या है टैबलेट डोसेज फॉर्म के, शुड हैव केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी, जो केमिकल स्टेबिलिटी होती है टैबलेट्स की वो होनी चाहिए, साथ ही साथ में फिजिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। अवेलेबल एबल टू रिलीज मेडिकामेंट्स एजेंट विद द प्रेडिक्टेबल, मतलब वो इजीली मेडिकामेंट जो एजेंट्स है दोस्तों वो रिलीज होना चाहिए। ऑल्सो हैव केमिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। हैविंग अ सफिशियंट स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड द मैकेनिकल शॉक ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पेंसिंग, मतलब दोस्तों जो हम टैबलेट बना रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि जब हम हैंडलिंग करते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन में जो टैबलेट हो टूट ना जाए, वो कुछ ना हो जाए, इसके लिए उसका जो है मैकेनिकली स्ट्रेंथ और अच्छा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा टाइप्स ऑफ टैबलेट्स क्या क्या होते हैं। अभी हम देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली, मतलब हम टैबलेट्स लेते हैं इंजेस्टेड, उसमें भी कुछ सब उसमें भी कब सब टाइप्स है दोस्तों। उसमें क्या क्या है, कंप्रेसर टैबलेट्स, मतलब जो टैबलेट्स है कंप्रेशन के हिस्से बनाई जाती है उसको कंप्रेसर टैबलेट बताया जाता है, तो उसका एग्जाम्पल है पैरासीटामोल टैबलेट। रिपीट एक्शन टैबलेट, रिपीट एक्शन टैबलेट एक मल्टीपल कंप्रेसर टैबलेट, मतलब मल्टीपल टाइम्स कंप्रेस किया जाता है अलग अलग डोसेज को क्रिएट करके। डिलेड रिलीज टैबलेट एंटेरिक, उसको एग्जाम्पल है दोस्तों एंटेरिक कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, मल्टीविटामिन सी टैबलेट आती है मेनली जो है शुगर कोटेड होती है। च्यूएबल टैबलेट्स होती है दोस्तों, जैसे कि विटामिन एंटासिड और विटामिन सी, जैसे कि आप एस्कॉर्बिक एसिड की जो टैबलेट आती है विटामिन सी को च्यूएबल टैबलेट्स में आती है, विटामिन ए की भी आती है, विटामिन की बहुत ही टैबलेट है दोस्तों वो च्यूएबल फॉर्म में अवेलेबल हम कर लेते हैं और ले लेते हैं। फिल्म कोटेड टैबलेट, मतलब दोस्तों मेट्रोनिडाजोल टैबलेट्स हो, डाइक्लोफेनाक हो, जो उसको जो है फिल्म कोटेड टैबलेट्स आती है। साथ ही साथ दोस्तों दूसरा उसे दूसरा जो टाइप है दोस्तों वो टैबलेट्स यूज्ड इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मतलब दोस्तों हम उसको मुंह में रखते हैं टैबलेट्स, वो बकल टैबलेट्स है दोस्तों, बकल टैबलेट्स का एग्जांपल दोस्तों विटामिन सी जो है बकल टैबलेट है। सब लिंगुअल टैबलेट जो टंग के अंडर, मतलब अपनी जो टंग होती है उसके नीचे जो टैबलेट्स हम रखते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट्स है जो हार्ट पेशेंट में दी जाती है, या फिर लोजेंजेस है दोस्तों फॉर द कफ लोजेंजेस जो हम कफ होने के बाद लेते हैं, या फिर डेंटल कोन्स। डेंटल कोन्स भी एक दवाई होती है दोस्तों, जहाँ पे कुछ दर्द अपना दांत वगैरह दर्द कर रहा है वहाँ पे वो प्लेस की जाती है ताकि वो दर्द जो है मिट सके। ठीक है फ्रेंड, थर्ड जो है उसका जो क्या है दोस्तों, देखिए टाइप टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, टैबलेट जो है अदर रूट इम्प्लांटेशन टैबलेट्स होती है दोस्तों कुछ, और जो होती है कुछ वजाइनल टैबलेट्स होती है, जैसे कि दोस्तों कोट्रामेजोल जो टैबलेट्स होती है वो जनरल यूज के लिए की जाती है। बाद में उसका जो फोर्थ टाइप क्या है दोस्तों, टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन, मतलब टैबलेट पानी में घुल के उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, वो यूज किया जाता है।
मेडिकल मेडिसिन, ठीक है। उसके सब टाइप्स कौन से, इफॉर्मेशन टैबलेट, मतलब दोस्तों इस टैक का ईवीटी टैबलेट आता था पहले, ईवीटी मतलब दोस्तों इफॉर्मेशन टैबलेट होता है, जो आप टैबलेट लेके पानी में डालते थे तो उसका बबल फॉर्मिंग होता था और टैबलेट जल्दी से पानी में डिजॉल्व होके उसका एक सोल्यूशन बन जाता था और हम वो इंजेस्टेड कर लेते थे, पी लेते थे एज अ मेडिसिन। डिस्पेंसिंग टैबलेट्स होती है, एंजाइम्स की टैबलेट्स होती है, जैसे कि दोस्तों हाइपोडर्मिक टैबलेट जो होती है, और जो है टैबलेट्स ट्राइचुरेट्स होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स टैबलेट्स। ये जो है दोस्तों इतने आप टैबलेट्स होते हैं, मेनली फोर टाइप्स है दोस्तों, आज हमने देखा है इस वीडियो में। मेनली फोर टाइप्स कौन से है दोस्तों, टैबलेट्स ओरल इंजेस्टेड ओरली, टैबलेट यूज ओरल कैविटी, ठीक है, टैबलेट एडमिनिस्टर बाय अदर रूट्स एंड टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन। ये तो थे टैबलेट्स के दोस्तों, और इसके जो सब टाइप्स है दोस्तों, सब टाइप भी याद रखिएगा, कुछ कुछ ही इसमें टैबलेट्स जो है इम्पोर्टेंस जो है सब टाइप इम्पोर्टेंट है, और हर एक के बारे में जो है हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। पहले तो हम सबसे पहले जो देखने वाले टैबलेट्स इंजेक्शन ओरली में कंपल्स टैबलेट्स क्या होता है, रिपीट एक्शन टैबलेट्स क्या होता है, मल्टीपल कंपल्स टैबलेट्स, हर एक टाइप का सब टाइप है दोस्तों, हम विस्तार से आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस गवर्नमेंट फार्मेसी, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहिएगा, और कुछ क्वेरी हो आपकी तो जरूर कमेंट में बताइएगा, जल्दी जल्दी उसका आंसर देने का हम जरूर प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।